संडे आपका टेस्ट होगा सर। इसमें स्टॉक डेटर सिस्टम मेथड में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? रिटर्न ऑफ गुड्स एचओ बाय कस्टमर, मैंने एक क्लास में कराया हुआ है दीपक। इसमें डायरेक्टली जब कस्टमर रिटर्न करता है तो स्टॉक डेटर में स्टॉक के दोनों साइड आ जाता है, टू साइड भी और बाय साइड भी। संडे टेस्ट रखेंगे किसका सर? ब्रांच अकाउंट का। ब्रांच अकाउंट का जो क्वेश्चन होगा वो पूरे बुक से ही होगा कोई भी। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमने होमवर्क कर लिया है तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। पता चले ये रह गया, वो रह गया, वो नहीं। अगर 15 का टेस्ट है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि 14 लेके आएगा कोई बच्चा। पूरे 15 ही चाहिए, उसमें कोई मार्क्स कटने वाले सवाल है नहीं। जब मैं पूरे बुक के क्वेश्चन ही दे रहा हूँ आपको, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे मेमोराइज करना है, सिर्फ आपके बुक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आज करेंगे हम डिपार्टमेंटल, एक सिंपल सा और न्यू चैप्टर। डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल चलिए देखिए, डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं। कई बार हम जब बिजनेस करते हैं ना, जब हम बिजनेस करते हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन को ऐसा फील होता है कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं और बहुत टाइम से हम बिजनेस करे जा रहे हैं और कस्टमर की भीड़ भी लगी हुई है, तब भी हमारा बिजनेस फायदे में नहीं जा रहा। दिन रात हम सेल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सामान बिक भी रहा है और तब भी हमारा बिजनेस फायदे में नहीं जा रहा। और जब हमारे किसी चीज का भी मान लेते हैं, सेगमेंट मान लेते हैं, मैंने एक क्लॉथ का सेगमेंट ओपन किया, मतलब कपड़े का काम शुरू किया, तो हमारा एक ही मोटिव रहता है, हमारा एक ही टारगेट रहता है कि भैया अगर कपड़े का काम हमने स्टार्ट किया है तो ऐसा कुछ हो कि हम और अदर काम भी कर पाए। मतलब जब हम कपड़े बेच रहे हैं, कोई भी हमारे पास कपड़े लेने आ रहा है तो वो हमसे और भी प्रोडक्ट आस्किंग करता है, क्या भैया शूज वगैरह भी रखते हो क्या, क्या उसके साथ जो भी एसेसरीज है कपड़े के साथ, मान लेते हैं पर्स वगैरह भी है क्या, क्या बेल्ट वगैरह भी रखते हो, तो उससे रिलेटेड भी प्रोडक्ट मांगते हैं। तो जब फ्रिक्वेंटली मेरे से वो कस्टमर वो चीज मांगने लगता है तो हम सोचते हैं, हम ध्यान में ऐसे सोचते हैं, पेरेंट्स का या तो इसके अंदर जब भी हमें ऐसा फील होता है कि सर हमारा जो प्रोडक्ट है कस्टमर डिमांडिंग है, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को अपने दुकान में रखना चालू कर देते हैं, धीरे धीरे रखना चालू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप कपड़ा बेच रहे हो, क्लॉथ बेच रहे हो, जीन्स टी शर्ट बेच रहे हो, बार बार बोल रहे हैं यार तुम जूते वूते भी रखो, आपके पास 10 कस्टमर डेली के जा रहे हैं, तो आपके माइंड में एक ही ख्याल आएगा क्यों ना हम इसे रख ही लें। आप उसे रख लोगे, फिर कस्टमर और मांगेंगे, तो आपके प्रोडक्ट वैरायटी इतने ज्यादा हो जाता है ना दुकान के अंदर, आप सोचते हो कि हम एक और दुकान खोल लें।
फिर जब मैसअप होने लगता है ना, सारी चीजें समझ में नहीं आने लगती, यार कपड़े भी यहीं पे, जूते भी यहीं पे, बेल्ट भी यहीं पे, परफ्यूम भी यहीं पे, सब कुछ यहीं है, तो आपके मन में ख्याल आता है कि एक काम करते हैं, कपड़े को हम एक अलग रख लेते हैं और जूते को हम अलग रख लेते हैं, यानी कपड़े की दुकान को ही सेपरेट कर लेते हैं, कंपार्टमेंट बना लेते हैं कि भैया तेरे को कपड़ा लेना है तो तू उधर जाके देखिए और जूते लेने हैं तो उधर जाके देखिए। इससे क्या होगा, हमारा पूरा दुकान एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज में मैनेज रहेगा। तो ये हर जगह होता है, लगभग लगभग हर जगह, जो एक ही दुकान के अंदर सारी चीजें रखते हैं वो दिक्कत होती है। तो जो आपने कपड़े की दुकान को अलग कर लिया और एक जूते की दुकान को अलग कर लिया, हालांकि वो दुकान कहाँ होगा, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होगा, हो सकता है एक बहुत बड़े फ्लोर के एरिया में, दो पार्ट में कंपार्ट डिपार्टमेंट हो, या फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर में हो जाता है वो। तो ऐसे सिचुएशन में मे बी पॉसिबल है कि आपका कोर बिजनेस कपड़ा बेचना है और क्लॉथ बेचना है, तो उससे तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपने जो शूज का बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ लोगों के कहने पे वहां से लॉस हो रहा है। आप ओवरऑल प्रॉफिट निकाल रहे हो तो आप किस में जा रहे हो सर, लॉस में ही जा रहे हो। तो हमें क्या करना होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट का वहीं से आया कि सर आप हर एक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का मतलब जो शूज का आपने सेपरेट बिजनेस किया दैट इज अ डिपार्टमेंट, तो जो हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग अलग होनी चाहिए। अगर आपको क्लॉथ के बिजनेस से बहुत समय तक प्रॉफिट दिख रहा है और शूज के बिजनेस से दिख रहा है कि 2 से 3 साल में आपने देख लिया कि भैया इसकी अकाउंटिंग अलग करने की वजह से हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा लॉस आ रहा है, तो आप उसको बंद कर दीजिए। अगर आप एक ही जगह पे सबको मिक्स रखते तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल था, तब आप बंद नहीं कर पाते। तो सिंपल सी बात है, डिपार्टमेंटल में जैसे कि मैं सिंपल सा एक इमेज दिखाऊं, तो आपने कई जगह पे देखा होगा कि ये देखो अपना सब चीज का डिपार्टमेंट क्या करते हैं, कई जगह पे अलग अलग कर देते हैं, जैसे बिग बाजार हो गया या बहुत सारे हो गए, जितने भी हमारे मॉल्स वगैरह में देखोगे तो इनके डिपार्टमेंटल के बेसिस पे काम करते हैं ये। यानी अब बड़े बड़े बिग बाजार या रिलायंस में चले जाओ, सुपर मार्केट जिसे बोलते हैं, तो आप देखोगे तो एक साइड जहाँ पे सिर्फ कपड़े का ही दिखा रख रखा है उन्होंने, एक साइड जहाँ पे सारा ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है, एक साइड जहाँ पे सारा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रखा हुआ है, तो वो अलग अलग सेपरेट रखते हैं हर जगह पे। तो वो इसलिए रखते हैं कि उसकी सभी की अकाउंटिंग अलग होती है। और इनफैक्ट कई जगह पे, तो मैं दिल्ली में अगर देखूं तो और किसी राज्य का नहीं पता, लेकिन दिल्ली में बात करूं तो किसी आप इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे जाओ तो वो बोलेंगे फ्रिज लेना है तो बोलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, वॉशिंग मशीन चाहिए तो सेकंड फ्लोर पे जाओ, मोबाइल फोन चाहिए थर्ड फ्लोर पे जाओ। तो उन्होंने ऐसा क्यों कर रखा है, एक तो उसका सारा सामान सिस्टमेटिक हो जाए, और दूसरा उनका मेन रीजन क्या है कि उनका एक प्रॉफिट लॉस कहां से हो रहा है। कुछ दिनों में पता चला कि भैया मैं मोबाइल फोन बेच तो रहा हूं लेकिन यहां से प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा, तो उस सेगमेंट को क्या कर देंगे, हम वहां से हटा देंगे। तो डिपार्टमेंट वाइज हर जगह डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, और एक और वो ऑनर एक ही होगा, लेकिन ऑनर कौन रहेगा, एक ही रहेगा। तो अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट के अंदर आपको सिंपली क्या चीज निकालना है सर, नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। और सर नेट प्रॉफिट किससे निकाले जाएगा, कैसे निकलता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग से क्या निकाल लोगे आप, ट्रेडिंग से अगेन निकाल लोगे आप ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट का इस्तेमाल कहां कर लोगे, नेट प्रॉफिट निकालने में। यानी इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस की जानकारी है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर भी खर्चे होंगे, हमारे डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे। यानी अगर हम पीएनएल की बात करें तो मान लेते हैं हमारा क्लॉथ का डिपार्टमेंट है और मैंने कहा एक शूज का डिपार्टमेंट है, तो उस सिचुएशन में इसका ट्रेडिंग पीएनएल अलग बनाओगे, इसका ट्रेडिंग पीएनएल अलग बनाओगे, और इससे आपका नेट प्रॉफिट एक अलग दिखेगा और इसका नेट प्रॉफिट एक अलग दिखेगा। लास्ट में हम कंबाइन भी करेंगे, इनको कंबाइन करके हमें पता चलेगा कि दोनों में हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट क्या हुआ। तो ये चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो दो ट्रेडिंग बनाएंगे, दो पीएनएल बनाएंगे और एक लास्ट में फाइनली निकालेंगे। यहाँ बैलेंस शीट बनाने को आपके एग्जाम में नहीं आना जाएगा, सिर्फ ट्रेडिंग और पीएनएल ही बनाने को दिया जाएगा। लेकिन इसमें ना एक दिक्कत आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि जब ये डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे मान लेते हैं दो फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है, तो कई बार दिक्कत क्या आ जाता है कि जैसे एक कस्टमर है जिसको शूज भी लेना है और क्लॉथ भी लेना है, तो वो बिलिंग एक जगह पे करा देते हैं जाके, ठीक है ना, बिलिंग कराने की फैसिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लेते हैं सेकंड फ्लोर वाले का सामान का पैसा कहाँ आ गया, फर्स्ट फ्लोर, और कई बार फर्स्ट फ्लोर वाले का पैसा कहाँ आ गया सर, सेकंड फ्लोर। तो उसको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहां पे किसका प्रॉफिट कितना होगा नहीं होगा, उस चीजों के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब खर्चे की बात करें सर, अगर हमें दो ट्रेडिंग दो पीएनएल बनाना होगा तो बड़ी मुश्किल होगी। तो हम क्या करेंगे, जो अकाउंटिंग का फॉर्मेट रखेंगे ना, कुछ ऐसा रखेंगे कि एक में ही काम हो जाए। एक में ही कैसे काम हो जाए, अगर हमारे पास दो सेगमेंट है तो हम तीन कॉलम खींच लेंगे, जिसमें से एक क्लॉथ का हो गया, एक शूज का हो गया, एक टोटल का हो गया,
सेम इधर तीन सेगमेंट खींच लेंगे हम, ठीक है, जिसमें से क्या रखने वाले हैं, एक हमारा क्लॉथ का हो गया, एक शूज का हो गया, एक किसका हो गया, टोटल का। अब अगर हम सेल्स की बात करें, क्लॉथ का सेल्स क्लॉथ में चले जाएगा और इसका सेल्स शूज का शूज में चला जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के कहाँ चला जाएगा, हमारा टोटल में चला जाएगा। सेम परचेज की बात करें, क्लॉथ वाला क्लॉथ में चला जाएगा, शूज वाला शूज में चला जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के कहाँ रख देंगे हम, टोटल में। तो हमें डबल अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, बेसिक सी बात है। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होंगे ना जिसको बांटना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे कि एक हमने रखा हुआ है सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर क्लॉथ वाले को भी देख रहा है और किसको देख रहा है, शूज वालों को भी देख रहा है। तो सर क्लॉथ वाले में कितना हमारा खर्चा आएगा और शूज वाले में कितना खर्चा आएगा, इसको डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। अकाउंटेंट जो है वो दोनों जगह की अकाउंटिंग कर रहा है, इस वाले डिपार्टमेंट के भी अकाउंटिंग कर रहा है, इस वाले डिपार्टमेंट का। तो लेकिन खर्चे तो हम हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअली डालेंगे, तभी हमें एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस पता चल पाएगा। तो उस सिचुएशन में भाई अकाउंटेंट का कितना जाएगा, तो कुछ खर्चे कैसे बांटे जाएंगे उसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर बोल देगा, इस रेशो में इस खर्चे को दोनों डिपार्टमेंट में बांट दो। मान लेते हैं कि एक मैनेजर रखा जो कि हमारा क्लॉथ डिपार्टमेंट को भी देख रहा है, शूज डिपार्टमेंट को देख रहा है। लंच से पहले वो क्लॉथ डिपार्टमेंट में रहता है, लंच के बाद कहाँ चला जाता है, शूज डिपार्टमेंट में। तो क्लियरली आधा आधा टाइम अपना क्या कर रहा है, वो दे रहा है। तो उसकी सैलरी को आधा हम डाल देंगे कहाँ पे, क्लॉथ डिपार्टमेंट में, आधा शूज डिपार्टमेंट में। दूसरा कुछ ऐसा खर्चा मैं बोलूं, जैसे कि मैंने पूरे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कैपिटल लगाया, कैपिटल या लोन लिया, लोन पे हमें इंटरेस्ट जा रहा है, तो इंटरेस्ट में कितना पैसा यहाँ लगा यहाँ लगा, उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे खर्चे जो दोनों में बट ही नहीं पा रहे, तो उस खर्चे को हम डाल देंगे जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस में, जहां पे कंबाइन रहेगा, उस खर्चे को कहाँ डाल देंगे, जर्नल। तो देखो खर्चे तीन तरीके के हो गए सर, एक खर्चा हो गया वो जो कि आपको सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट दे रखा है। दूसरा खर्चा हो गया जिसको आप एलोकेट कर सकते हो, यानी बांट सकते हो, क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे मैंने अभी मैनेजर सैलरी का एग्जाम्पल लिया। तीसरा खर्चा होगा जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल के सेपरेट कर दो आप, तो उस खर्चे को कहाँ डालेंगे हम, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको डायरेक्ट खर्चे की जरूरत, मतलब समझ होनी चाहिए कि डायरेक्ट खर्चा कौन सा, जैसे कि कैरेज हो गया, वेजेस हो गया, या फिर पावर हो गया, ये सारा ट्रेडिंग में जाएगा। पीएनएल में क्या जाएगा, सैलरी चला जाएगा, इंटरेस्ट चला जाएगा, डिस्काउंट चला जाएगा, कैरिज आउटवर्ड चला जाएगा, वो कहाँ चले जाएगा, पीएनएल में, जैसे कि हम पहले कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे खर्चे भी हैं जिसको हमें समझना होगा कि कुछ खर्चे ऐसे गिवन है जिसको कि हम किसको बांटने में क्या मदद लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। एक छोटा सा मैंने लिख लिया यहाँ पे कि जो एक्सपेंस है नॉट डिवाइडेड इंटू डिपार्टमेंटल टिपिकली, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये जो बांटने वाला काम ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा ना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ऐसा ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कुछ ऐसे खर्चे हैं जैसे कि जर्नल आपका बिजनेस ऑपरेशन सच रेंट, उसके अंदर रेंट हो सकता है, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ऐसे कुछ खर्चे हो सकते हैं जिसको बांटा नहीं जा सकता। तो अगर आपको बता दे क्वेश्चन में, मैंने कहा कि इंश्योरेंस का पैसा बांटना मुश्किल है, इसे अगर बांटना मुश्किल है तो आप कौन से अकाउंट में ले जाओगे, इसे जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन सवाल कह दे कि इंश्योरेंस 50-50 दोनों डिपार्टमेंट में बटेगा, तो आप इसे बांटोगे कहां, पीएनएल में, कहां बांट दोगे आप। तो यानी जरूर ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है जो कि आपको पता ना चले कि ये कैसे होगा, हर बात बताएगा। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसके लिए एग्जामिनर बताएगा भी नहीं और जनरल पीएनएल में भी नहीं जाएगा, वो आपको समझबूझ से काम लेना होगा। जैसे कि मैं बात करूं कैरिज इनवर्ड, तो अगर मैं कैरिज इनवर्ड की बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं हम, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, तो अगर मैं कैरिज इनवर्ड की बात करूं तो बड़ी बेसिक सी बात है, कैरिज कब लग गया होगा सामान को खरीदने में, तो जिस डिपार्टमेंट का जितना खर्च सामान खरीदा होगा उस रेशियो में बट जाएगा कैरिज इनवर्ड। सेम डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कब किया होगा, बेचने में, तो वो सेल्स के रेशियो में बट जाएगा हमारा। तो डिस्काउंट रिसीव वो भी किस में बट जाएगा, परचेज। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि आपको पता चल जाएगा। तो हम जब सवाल को प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे कि मैं बात कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन है, नॉन एक्सपेंस है, रिकॉग्नाइज डिटेल, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है। बाकी जैसे मैं सवाल को पढ़ूंगा तो इसको मैं बता दूंगा कि क्या चीजें बट सकती है और क्या चीजें नहीं बट सकती। एक क्वेश्चन हम बड़ा जनरल सा बेसिक सा लेंगे जिसमें हमें सारी नॉलेज आ जाएगी, बेसिक बेसिक चीजें। तो सर यहाँ पे हम देखें तो डिपार्टमेंटल में इस सवाल को करते हैं। मेरे हिसाब से अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली हम पढ़ने वाले हैं और किस तरीके का क्या रहने वाला है, एग्जैक्टली क्या हम करेंगे। तो डिपार्टमेंटल का मतलब क्या है सर, आपके दो डिपार्टमेंट होगा। जैसे कि हमारे पास एक सवाल है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसके डिटेल जानेंगे और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं इसमें। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डिटेल जानेंगे, फिर आगे बढ़ने वाले हैं।
तो सर एक सवाल है, पूरा पढ़ते हैं पहले। ये किताब में क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैंने अलग से जो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दे, और ये समझ में आने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर द, आपको प्रिपेयर एक अकाउंट करना है, डिस्क्लोज द टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट टू डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट ए है और एक डिपार्टमेंट आपका बी है, दो डिपार्टमेंट है। इन दोनों डिपार्टमेंट का आपको ओपनिंग स्टॉक पता है, तो आपको लिखना पता है, ये ट्रेडिंग में टू साइड में आ जाएगा। दोनों डिपार्टमेंट का क्या पता है, परचेज, तो इसका भी बहुत सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग में टू साइड आ जाएगा। कैरीज दे रखा है, अब यहाँ पे कैरीज टोटल दे दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये किस डिपार्टमेंट का है, ए डिपार्टमेंट का या बी डिपार्टमेंट का, तो इसको किस रेशियो में बांटा जाएगा, आगे हमें बता देगा वो चीजों को। ऐसे ही देखे तो सैलरी, सर सैलरी दोनों डिपार्टमेंट का अलग दे दिया, तो चिंता ही नहीं है किसी बात का। इसके अलावा अब ये जितने भी खर्चे आपको दिए जा रहे हैं ना, इस खर्चे के बारे में बताया ही नहीं कि ए डिपार्टमेंट का कितना है और बी डिपार्टमेंट का कितना है, तो इसको कैसे बांटना है, नीचे एडजस्टमेंट देगा। सेल्स अलग अलग दे दिया, बहुत अच्छी बात है, और ये भी, और डिस्काउंट भी हमें कॉमन दे दिया। तो आप देख पा रहे हैं सवाल के अंदर कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि कॉमन है, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि कॉमन है, मतलब कि पता ही नहीं चल पा रहा कि किस डिपार्टमेंट का, और कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि स्पेसिफिकली आपको पहले से ही बताया हुआ है। नीचे क्या कहता है एडजस्टमेंट में, कहता है गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी ₹5,000, दिस हैज नॉट येट बिन रिकॉर्डेड। अब गुड्स ट्रांसफर का क्या होता है, मान लेते हैं कि आपका एक डिपार्टमेंट ए है और एक डिपार्टमेंट बी है, और मैं इसको क्लॉथ मान लेता हूं और इसको मैं शूज का मान लेता हूं, ठीक है ना। ऐसे ही हम सीख रहे थे एग्जाम्पल। हुआ ऐसा कि भैया जो शूज डिपार्टमेंट से मैंने फोन किया, बोला कि यार नीचे ग्राहक आए हुए हैं, एक काम करो ए दो चार पीसेस नीचे भिजवा दो। तो इस डिपार्टमेंट ने क्या करा, इसको भेज दिया ₹5,000 का सामान। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो, या तो ये सामान वापसी आ जाए तो कोई बात वाली बात नहीं है, ये सामान वापसी नहीं आया, यहीं से बिक के चला गया। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो माना जाएगा इस डिपार्टमेंट ने इसको ट्रांसफर कर दिया, और इस डिपार्टमेंट के लिए एक तरीके से काइंड ऑफ क्या है, ये सेल्स है, और इस डिपार्टमेंट के लिए काइंड ऑफ क्या माना जाएगा, परचेज मानेगा। तो हम ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देता है ना, तो जो ट्रांसफर कर रहा है वो तो सेल्स रिकॉर्ड कर लेगा, और जो ले रहा है वो क्या रिकॉर्ड कर लेगा, परचेज रिकॉर्ड कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि सर यहाँ पे गुड्स ट्रांसफर हुआ ₹5,000, जो कि आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो ठीक है हम अलग से लिख लेंगे। कहता है जर्नल सैलरी, जर्नल सैलरी क्या, यहाँ पे कोई सैलरी जर्नल है क्या, तो कहता है जर्नल सैलरी आर टू बी एलोकेटेड इक्वली। कहता है जो जर्नल सैलरी है जिसके बारे में नहीं बताया गया, उस चीजों को हमें कैसे बांटना है इक्वली। तो जर्नल एक्सपेंस यहाँ पे दे रखा है, ये रहा, इसको बांटने के लिए बोला गया, कैसे बांटो आप। एलोकेट का मतलब क्या होता है सर, एलोकेट मतलब होता है बांटना, अपोर्समेंट मतलब होता है बांटना, ये दो शब्द आएंगे यहाँ पे बार बार, जो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जर्नल सैलरी का मतलब सही, दो जर्नल के बारे में बता दिया गया, इसको बराबर बांटना, तो ए का खर्चा बी का खर्चा आराम से निकाला जा सकता है। कहता है एलोकेट कैरिज इनवर्ड एंड डिस्काउंट रिसीव ऑन द आपका सूटेबल बेसिस। कहता है भैया जो कैरिज इनवर्ड है और डिस्काउंट रिसीव है, यानी ये अपने आप दिमाग से लगाइए कि किस पे बटना चाहिए। तो बड़ी सीधी सी बात है, कैरिज इनवर्ड खरीदने पे लगा है तो परचेज के रेशियो में बांट देंगे, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव भी खरीदने पे लगा होगा, क्योंकि डिस्काउंट कब मिलेगा, जब हम सामान को खरीदेंगे, तो वो भी उसी रेशियो में बांट देंगे। तो मेरे हिसाब से ये वाला दोनों पार्ट ना किस में बट जाना चाहिए, परचेज के रेशियो में, परचेज रेशो में। परचेज का रेशो क्या निकलेगा सर, ये दे रखा है आपको परचेज, इन दोनों को रेशो में डिवाइड करके बांट देंगे हम, ठीक है। आगे कहता है द एरिया ऑक्यूपाई इन द रेशो 3:2, यानी सर रेंट, एरिया किससे रिलेटेड है, रेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे रेंट देखो आपको कॉमन गिवन है, तो यानी रेंट का जितना एरिया जो डिपार्टमेंट ऑक्यूपाई कर रहा होगा उसका उतना रेंट दे देंगे, तो रेंट इसमें बढ़ जाएगा। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कंप्रेहेंसिव पॉलिसी एलोकेशन बीइंग द आपका इनकन्वीनियंट, मतलब कहता है इंश्योरेंस जो लिया है पूरे का लिया, इसको बांटना पॉसिबल ही नहीं है, आप नहीं बांट सकते, ये कंप्रेहेंसिव का मतलब बहुत डिटेल चला जाएगा ये, तो ऐसे सिचुएशन में इसको बांटना पॉसिबल नहीं है, तो हम कहाँ उठा के ले जाएंगे इसको, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। कहता है क्लोजिंग स्टॉक टू डिपार्टमेंट वर, ए का दे दिया आपको और बी का दे दिया, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, नीचे दे दिया। तो नॉर्मली आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के बाय साइड में जाता है और एक बैलेंस शीट के एसेट्स में, बैलेंस शीट आपसे पूछा नहीं जाएगा यहाँ पे। आगे कहता है एलोकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड जनरल एक्सपेंस एंड डिस्काउंट अलाउड इन द रेशियो ऑफ सेल्स, तो कुछ चीजों के बारे में बता दिया कि इसको किस रेशियो में बांटना है सर, सेल्स के रेशियो में बांटना है। अब देखा जाए तो हमारे पास किस किस के जानकारी नहीं है सर, एक हमारे पास जनरल एक्सपेंस की, जनरल के बारे में बता दिया, रेंट के बारे में बता दिया, एडवर्टीजमेंट के बारे में बता दिया,
इंश्योरेंस बोलता है भैया ये तो बट ही नहीं सकता, जनरल एक्सपेंस भी बता दिया, डिस्काउंट अलाउड नहीं बताया, डिस्काउंट अलाउड बताया नहीं, अल्लाह सबसे नीचे वाले में, हाँ इसमें भी बता दिया, अकाउंटिंग चार्ज भी नहीं बताया इसने। तो जिस चीज के बारे में नहीं बताया दैट इज गोइंग टू द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि लास्ट में जिसके बारे में बता दिया उसके हिसाब से कर देंगे। तो बड़ी सीधी सी बात है। तो यहां पे अब देखा जाए तो मैं एक अकाउंट कॉमन बनाऊंगा, और एग्जाम में यही फॉर्मेट ही है, ऐसा नहीं कि हम दो बार बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, अभी पढ़ेंगे दोबारा कर लेंगे। दो हो गया, तीन हो गया, एक दो चलिए परफेक्ट, ये बना लिया हमने। ऊपर क्या नाम लिखेंगे सर? ऊपर नाम लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एक हो गया ए, एक हो गया बी, और इधर रखेंगे ए बी और टोटल पर्टिकुलर। चलिए सर, पहले हमें ओपनिंग स्टॉक देता है तो हम यहां लिख लें ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रहा है तो हम लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक ए का दे दिया इसने 15,200 और बी का दे दिया 10,800। इसके बाद आ जाते हैं परचेज, तो परचेज भी इधर आएगा। अब परचेज में देखेंगे ना तो इसका रिटर्न बाय साइड में गिवन है आपको, परचेज रिटर्न। तो पहले एक ही डिजिट होता था तो अंदर लिख के हम दे देते थे, अब दो डिजिट है हमारे पास, आप देख पा रहे होंगे। तो यहां पे एक बार में करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको हम कहीं अलग से वर्किंग नोट मान के करके कर लेते हैं। मान लो मैं यहीं पे कर देता हूं इसको कि भैया परचेज ए का परचेज है और बी का परचेज है, बी का परचेज। तो सर ए का परचेज जो है वो है 75,100 और बी का परचेज जो है वो है 69,800। इसमें से रिटर्न इसका माइनस कर देंगे, इसमें से इसका रिटर्न माइनस कर देंगे। इसका रिटर्न 800 माइनस होगा तो बचेगा 69,000, और इसमें से 1100 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा ये 74,000। क्लियर है ये? तो मैं इसको कहीं और भी करके फिर यहां कर लूं तो ज्यादा बेटर है। बाकी आप यहां करना चाहते हो तो सर यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से परचेज रिकॉर्ड माइनस में दिखाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मेरा आ जाएगा 74,000 और यहां पे आ जाएगा 69,000। टोटल में भी साथ के साथ लेके चलते हैं, टोटल में कैसे लिखा जाएगा? परचेज रिटर्न किधर लिखोगे आप? परचेज रिटर्न तो कर तो दिया मैंने, नहीं आपने सिर्फ माइनस करके लिख दिया, पर उसको परचेज रिटर्न दिखाया तो माइनस हो गया, दिखा ही दिया मैंने। वो तो वर्किंग नोट में दिखा तो रहे हैं यहाँ पे सारे डिमेंट को, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि परचेज रिटर्न शो होगा तभी सही होगा। 26,000 इसका टोटल, एक 43। चलिए आगे चलते हैं, कैरिज इनवर्ड टू कैरिज। सर कैरिज इनवर्ड का टोटल बता दिया 26,28,60 बता दिया है ना। अब इसको बताया कि भैया इसको किस रेशियो में बांटना है, अपने सूझबूझ से बांटिए आप। कहता है कि यहां पे जैसे कि इसने बता दिया कि कहां कौन सी लाइन था हमारा कैरिज इनवर्ड, ये कहता है एलोकेट कैरिज इनवर्ड एंड डिस्काउंट रिसीव ऑन सूटेबल बेसिस, यानी अपने दिमाग से बांट लीजिए। तो चलिए हम इसे बाद में बांट लेंगे जैसे देखेंगे सारी चीजें बन जाए। इसके बाद कहता है रेंट एंड रेट्स, तो आपको पता है कि रेंट एंड रेट्स पीएनएल का पार्ट होता है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट कुछ यहीं तक रखने वाले हैं, यहां तक ट्रेडिंग अकाउंट है और रेंट एंड रेट्स, तो रेंट यहां पे आ जाएगा। तो रेंट टोटल जो है हमें गिवन वो 6,000 है। अब 6,000 जनरल रह गया, अभी जनरल भी लिख लेंगे, ठीक है। 6,000 रेंट को बोला गया 3:2 में बांटना है, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 5:3 3,600 और 2, तो 3:2 तो 2,400 इसके हिस्से में आ गया और 3,600 इसके। मैं मान के चल रहा हूं आपको रेशियो तो बांटना आता होगा, कैसे बांटेंगे, बड़ी सीधी सी बात है। अब जनरल एक्सपेंस को ले लेते हैं, जनरल एक्सपेंस
सर जनरल एक्सपेंस अगर ध्यान से देखो ना, तो जनरल एक्सपेंस कहता है, जनरल सैलरी कह दिया, सैलरी वर्ड काट देता हूँ, बस जनरल लिख देता हूँ, ठीक है, एलोकेट इक्वली। तो हमारा टोटल है 11,600, इस 11,600 को डिवाइडेड बाय 5800, इसके बाद आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट। ठीक है सर, एडवर्टीजमेंट टोटल दे रखा इन्होंने कितना, 8100। अब 8100 को कैसे बांटा जाए, सवाल में नीचे कहता है कि एलोकेट एडवर्टीजमेंट जनरल एक्सपेंस और डिस्काउंट अलाउड इन द रेशियो ऑफ सेल्स। तो सेल्स का रेशियो क्या है, पहले इधर लिख लेते हैं, बाय सेल्स। तो सेल्स हमें दे रखा है कितना सर, ए का 1,00,000 और इसका 80,000, टोटल हो गया 1,80,000 हो गया। तो यानी अगर देखा जाए, इसका रेशियो निकाला जाए तो 10:8 हो जाता है, और काट दे तो ये कितने में कट जाएगा, 4:5, ये रेशियो होगा। तो 5:5 इसको बांट देते हैं हम, मैं हालांकि इसे हटा दूंगा बाद में, 9,8100 डिवाइडेड बाई 9 × 5 4,500 और 4,3600। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस पता ही नहीं चल पा रहा कहां जाएगा, तो इस पे मैंने वैसे ही अलग से हाईलाइट करा हुआ है। जनरल एक्सपेंस ये भी यही बटेगा, जनरल एक्सपेंस टोटल जो है जनरल एक्सपेंस वो है हमारा 50, और उसका भी रेशियो सेम ही रहने वाला है, 5400 डिवाइडेड बाय 9 × 5 यानी 3000 और 3400 2400। जनरल एक्सपेंस के बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड को भी सवाल में बोला हुआ है नहीं बोला हुआ देख लेते हैं। तो लास्ट में बोला हुआ है कि डिस्काउंट अलाउड भी ऐसे ही बटेगा, और नहीं भी बोलता तो ऑब्वियस है कि सेल्स रेशो में ही जाता है ये, क्योंकि डिस्काउंट सेल्स पे ही दिया जा रहा है ये 1800। तो 1800 डिवाइडेड बाय 9 × 5 1,800, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड के बाद है अकाउंटिंग चार्ज, सर इस पे भी हमने मार्क कर रखा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। बाय साइड में आ जाते हैं, बाय साइड में हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट रिसीव, बाय डिस्काउंट रिसीव। सर टोटल दे रखा है डिस्काउंट रिसीव वो कितना है हमारा, 1430, ठीक है। अब एक एक करके फिर से हम अगेन एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो बड़ा सिंपल सा है ये सवाल, एग्जाम में आता है तो मेरे हिसाब से तो ब्रांच से इजी बनता है, बस इसमें एक दो एडजस्टमेंट है जो कि स्टॉक ट्रांसफर का एडजस्टमेंट है वो हम सीखेंगे, तो इस सवाल में तो नहीं है, वो अलग से सवाल करेंगे, तो उसमें अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा इसमें बिल्कुल। चलिए अब आ जाते हैं हम, इसको रेशियो में बांटना है सर, इसको भी परचेज रेशियो में, इसको भी इस रेशियो में, और परचेज हमारा कितना है, 74:69 यही रेशियो है हमारा, 74:60 75 है, अच्छा हाँ हाँ। एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि आप परचेज रिटर्न तो बाद में करते हो जाके, है ना, तो आपको ग्रॉस परचेज में हमेशा लेना है, ये डिस्काउंट भी ग्रॉस पे ही मिला होगा आपको। तो 75 100 और 69 800, तो ये आपको 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो आप इसका हो गया 751:698। आप बैठ काटना चाहे तो और भी काट सकते हैं, मैं कैलकुलेटर पर सीधे तरीके से करना बता दूं आपको, करना क्या है, कैलकुलेटर जिसके पास है पहले इन दोनों डिजिट को जोड़ लीजिए, जैसे 751 प्लस में 698, इन दोनों डिजिट को जोड़ लीजिए जो बनता है 1449, ताकि आसानी हो जाए। अब मुझे 2860 बांटना है, तो मुझे क्या करना है, पहले टाइप करना है 2860, उसको डिवाइड का बटन प्रेस करना है और करना है 14449, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक बार सिंपली मल्टीप्लाई का बटन प्रेस कर देना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का बटन प्रेस कर देना है। तो मैं दोबारा स्टेप बोल रहा हूं आपको, सबसे पहले मैंने क्या करा, इन दोनों का टोटल कर लिया, और किसको बांटना है, इसको और इसके डिवाइडेड बाय ये करा, फिर मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में क्या है, 751, तो बस मुझे 751 और इक्वल टू प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली वो डिजिट ले लेगा, एक सेकेंड, 2860 डिवाइडेड बाय 1449 × अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करना है सर, 751 के बाद इक्वल टू, जैसे ही प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली वो डिजिट लेगा, तो कितना आ गया सर, 1482 आ गया ये। अब सर हमें कुछ डिलीट नहीं करना है कैलकुलेटर पे, इसे टू बी कंटिन्यू करना है। अब अगला क्या है, 698, बस 698 करके इक्वल टू करो, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 1378 आ गया ऑलमोस्ट। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई भी रेशियो निकालना हो, आप बार बार डिवाइड नहीं करोगे उसको,
आप क्या करोगे, अगर मुझे यहाँ पे 500 रेशो होता तो सिर्फ मैं 500 प्लस करता और इक्वल टू करता, तो वो उसके हिसाब से वो प्रोपोर्शनेट करता जाएगा। यानी सिर्फ आपको एक बार अमाउंट चाहिए और डिवाइड का टोटल चाहिए और इनटू करके इक्वल टू करके जितने मर्जी जा सकते हो। चलो दूसरे का भी करके देख लेते हैं। फिर से ये है 1430, मैंने लिखा 1430, डिवाइड कर दिया मैंने 1449, ठीक है, उसके बाद इनटू कर दिया हमने, पहले डिवाइड इनटू, अब मुझे पहला रेशो क्या चाहिए, 751, तो 751 और इक्वल टू करना है, आपने इनटू नहीं दबाना है, इक्वल टू करना है, तो 741 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब दूसरा रेशो क्या है हमारा 698, तो 698 करके इक्वल टू करना है, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो ये आ गया 689, ठीक है। तो ये आप फॉलो कर सकते हो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बार बार उस वीडियो को देख के रिपीट कर सकते हैं उस चीजों को, ठीक है। अब हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं, दोनों चीजें भी बांट दी, अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है गुड्स ट्रांसफर, तो गुड्स ट्रांसफर किसने किया है, ए टू बी किया है, तो ए ने किसको किया है, बी को किया है, तो ए के लिए माना जाएगा ट्रांसफर, गुड्स ट्रांसफर ए ने ट्रांसफर किया तो सेल साइड में जाएगा, तो ए ने किसको किया है, बी को, तो ए के लिए सेल्स माना जाएगा 5000, और टू माना जाएगा गुड्स ट्रांसफर हुआ किससे, बी के लिए परचेज माना जाएगा 5000। पहले ये देखिए पहला एडजस्टमेंट जो ट्रांसफर वाला था, मैंने बताया था एक के लिए परचेज होगा तो एक के लिए सेल्स होगा, जिसने ट्रांसफर किया वो तो सेल कर रहा है और जिसने लिया है वो परचेज कर रहा है, ठीक है। यहां पे आ गया पहला एडजस्टमेंट हमने कर लिया, डन। अंदर की सारी बातें हम पहले ही लिख चुके हैं, बस जनरल वाला रहता है, पहला एडजस्टमेंट डन, जनरल एक्सपेंस भी हमारा हो गया डन, एलोकेशन ये भी हो चुका है, एरिया ऑक्यूपाई हो चुका है, इंश्योरेंस को हम बाद में लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है जो नहीं लिया अभी, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक कितने कितने हमारा, ए का 17800 और बी का 15600, तो ये टोटल इसका यही आना है 5000, और इसका टोटल देख लेते हैं क्या आता है, 17800 प्लस में 15600 33400, ठीक है सर, इसका टोटल भी 5000 ही आना है। यहां तक क्लियर है, अब यहां से निकाल लेते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, जीपी निकाल लेते हैं, और तो कुछ रह नहीं गया हमारा, एलोकेशन एडवर्टीजमेंट भी कर दिया, तो 100000 प्लस 5000 प्लस 17800 ये आ गया 122800, और यही आ जाएगा इधर 122800 माइनस कर देते हैं 15200 माइनस 74000 और माइनस 1482 ये आ गया 32118, ये आ गया 32118 अप्रॉक्स, तो 2GP लिख दिया 32118। अब यहां पे जब मैंने आंसर भी लिखा हुआ है तो आंसर देखेंगे 32120, वो राउंड फिगर में है, तो उस पे नहीं जाना, 4-5 रुपए का पॉइंट में तो फर्क आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट का, सर दूसरे डिपार्टमेंट का क्या होगा, 80000 15600 ये आ गया 95600 और माइनस कर देते हैं सर 10800 माइनस 69000 माइनस 1378 माइनस 5000 सर ये आ गया 9422, ये 20 आ रहा होगा, इसका 22 आ रहा है तो उधर 20 आ रहा है। अब आपको इसका भी टोटल करना है सर, 180 5000 33400, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट बढ़ जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 21 8400 माइनस 26000 माइनस 14 माइनस 2860 माइनस 5000 41540, ठीक है। अब आ जाते हैं सर यहाँ बाय साइड में, बाय लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, वही सिंपल सा प्रोसेस, आप देखो ट्रेडिंग अकाउंट ही है, 122800 95600 और 21 8400, ठीक है। अब सर यहां तक हम निकालेंगे एक और प्रॉफिट, हाँ किसका टोटल, अच्छा यहां तक क्या निकालेंगे हम, एक और प्रॉफिट निकालेंगे, इसका टोटल है 41540, बी का भी यही टोटल लिख दिया मैंने, अच्छा जीपी लिखना था, सर 31 32 118 9422, ठीक है। तो अगर देखा जाए ना तो अब हमारा एक और सेगमेंट डिवाइड होगा, बस फर्क ये रहेगा, इसके बाद भी एक प्रॉफिट निकलेगा, इसके बाद एक फाइनल प्रॉफिट निकलेगा, उसे बोलेंगे जनरल पी एंड एल, जिस चीज को हम यहाँ बांट नहीं पाए थे, ठीक है ना।
तो जिसको यहाँ बांट नहीं पाए थे उसको एक और स्टेप हम आगे ले जाएंगे। बस ये कहानी है इसके अंदर, थोड़ा सा अलग पुराने से। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो जरूरी नहीं है दोनों साइड से प्रॉफिट ही आए, कहीं से प्रॉफिट कहीं से लॉस आएगा। 32,118 प्लस 741, तो ये आ गया हमारा 32,889। और इधर टोटल अगर हम देखें तो टोटल कितना आ रहा है, तो सर प्रॉफिट ही आएगा 32,859, 32,859 और 2 यहां पे आएगा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट देखा जाए तो -3600, 5800, 4500, 3000 एंड 1000, तो सर ये आ रहा है 14,959। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 3259 सही है लिख रखा है इधर, अच्छा निकाल लिया, ठीक है ना। चलो ये तो फाइनल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दे रहा है, जिसको हम अभी देख लेंगे। दूसरे वाले का ना टोटल इधर का ज्यादा है, देखो इधर सिर्फ 94,600 यानी 10,000 के अप्रोक्स है, और यहाँ 10,000 तो ऐसे ही बन रहा है यहाँ पे, तो ये टोटल ज्यादा है। तो 2400, 5800, 3600, 2400 और 800, 15,000, 15,000। अब इसका इधर आ रहा है तो इधर क्या लिखेंगे, बाय लॉस, नेट लॉस। नेट हालांकि वर्ड में बाद में चेंज कर दूंगा, अभी मैं लिख रहा हूं ताकि आपको आदत है कि जीपी से एनपी पे जाते हैं, तो इसलिए नेट। बाकी इसका हम सिर्फ लॉस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर होगा हमारा कहां पे, जनरल पीएनएल में। तो माइनस में 9422 माइनस 689, एक मिनट, ये 15,000 माइनस में 9422 माइनस में 689, ये आ गया 48,889। अब हम एक जनरली निकालेंगे, ठीक है ना, टोटल करके निकालने वाले हैं। टोटल निकालेंगे तो सर टोटल में क्या आएगा, देखो ये लॉस यहाँ पे है और फायदा, तो फायदा ज्यादा है तो मेरे हिसाब से तो फायदे का ही ज्यादा आने वाला है। 41,540 और इधर माइनस करें 6,011,600, 8,100, 5,400, ये आ गया 86, क्या हो गया 8,640। नेट प्रॉफिट हमारा ए का दे रखा है, बी का दे रखा है, नेट प्रॉफिट ये किसका है 59। लॉस 13,390 का, नेट लॉस 13,390 का है, टोटल नेट लॉस 8,930। कुछ रह गया क्या, क्या 14,30 कौन सा, ये अच्छा 540, 41,540। ये आ गया 42, माइनस 6,000। बस टोटलिंग आप एक बार ध्यान देख देना, क्योंकि मैं तो करता रहता हूँ, कभी भी कई बार गलत भी हो जाए। ये आ गया 10,000। अब बाई साइड में आ जाएगा, मुझे कुछ आइटम लग रहा है मिसिंग कर दिया हमने, डिस्काउंट रिसीव ले लिया हमने, डिस्काउंट अलाउड ले लिया वो भी ले लिया, जीपी हमारा 32,120 ठीक था, 94,22 ठीक था, नेट प्रॉफिट है हमारा ए का 5960 और बी का लॉस है 13,090, 5960। ए का नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट ए का ज़्यादा क्यों आ रहा है, ये टोटल ठीक से कर लेते हैं, 32,118 प्लस 741, 32,859 माइनस 3600 माइनस 5800 माइनस 3500 माइनस 3000 माइनस 1000। शायद ये हो सकता है कि जीएल के डालने के बाद का प्रॉफिट दिखा रहा हूं। चलिए बाय यहां पे क्या लिखोगे आप, बाय नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट कितना है, 14,959 और लॉस इधर आ जाएगा 2 नेट लॉस। नेट लॉस किस में आएगा, बी में, और बी में क्या आ रहा है हमारा 4,889। अब फाइनली देखा जाए तो नेट प्रॉफिट ही आ रहा है ये निकल के 10,070। अब कुछ खर्चे जो है ना, कुछ खर्चे जो है
वो हमें यहाँ डालने हैं, जो इस पे 2 पे स्टार लगाए, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा कि भैया ये है किसका, है ना, ये पता ही नहीं चल रहा कि है किसका। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपका क्या था पहला खर्चा, पहला खर्चा था आपका इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो हमें सिर्फ टोटल वाले में लिखना है। तो ये टोटल कितना आ रहा है, 1000, है ना, 1000 बस, क्योंकि इन दोनों में तो बट नहीं सकता ये, तो फाइनली ये। और इस वाले अकाउंट को, नीचे वाले को ना आप चाहो सेपरेटली बनाना तो सेपरेटली भी बना सकते हो। वहां पे जब सेपरेटली बनाओगे ना, तो सिर्फ ये प्रॉफिट लेके जाना है वहां पे, दोनों नहीं लेके जाना। और टू, इसके बाद एक और खर्चा कौन सा था हमारा, अकाउंटिंग चार्ज, चार्ज वो कितना है हमारा, 500 रुपए। तो चलिए अब फाइनल नेट प्रॉफिट निकलेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अब हमें पता चल गया कि भैया डिपार्टमेंट बी जो है ना उसमें फायदा नहीं मिल रहा, और डिपार्टमेंट बी को हमें बंद करने में फायदा है। तो ये अकाउंटिंग सिर्फ हमें जनरल में बताऊं तो यही सिखाता है किस डिपार्टमेंट को हमें ऑपरेट करते रहना चाहिए और किस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए 10170, 1000 माइनस 1500, ये आ रहा है 7570। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, टोटल नेट लॉस आ रहा है। कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे गड़बड़ी लग रही है, बांटने में एलोकेशन तो ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिए आप। बी का नेट प्रॉफिट ए का कम है, लॉस ज्यादा है, ठीक है। लॉस कितना है, ए का तो लॉस ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 5800, 5500, 4500, 3500, 3600। ये कहीं रेशो मैंने गलत तो नहीं ले लिया, 3000, 2400, 10800, ये तो ठीक है, और कुछ रह तो नहीं गया। ये सैलरी रह गया लेना 9000, और ये रह गया ना, देखो ठीक है, ये भूल गए हम, ठीक है, अब सारा एक्यूरेट आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो हो गया तो हो गया, अब कर लेंगे, ये सब गलत हुआ, इसको मिटाई देते हैं। ये भी अलग आएगा, ये भी अलग। तो मेरा मेन मोटिव पता ही क्या था, आपको समझाना जो कि आपको समझ में आना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं हम प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा आ रहा था, 32118 प्लस में 741, 32889 सॉरी 32859, 32859 माइनस 9000, 3600, 1000, 5959 दो बार आ रहा है, हाँ ठीक है, अब ठीक है, वो एक पॉइंट रह गया था, अब लॉस भी बढ़ जाएगा ना, यही कह रहा हूं कि लॉस कैसे आया, क्योंकि गड़बड़ी तो की नहीं हमने, 23500 माइनस ये आ गया 13389। अब टोटेलिटी में चेक कर लें तो सर टोटेलिटी में ये भी अलग आ जाएगा, 8 17500, है ना, तो अब लॉस ही आएगा, यार 50 400 माइनस 41540 माइनस 1430, 7430 का अब एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं, 74 30 30, ठीक है अब हो जाएगा आपका। तो यहां पे देखा जाए तो लॉस आ गया 13 13 89, और यहां पे 74 टोटल में 7430, और बाय प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कितना आ रहा था, 5959। अब टोटल के ऊपर हमें चलना है, सिर्फ सिर्फ टोटल पे चलना है, 74 30 74 30 74 30, नहीं
खर्चे तो लिखे ही नहीं, कितने कितने खर्चे थे इंश्योरेंस, 1000 और 500, ये आ गया 8930 और ये आ गया 8930 और नेट लॉस जो आया 8930, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है जो कि आपका लास्ट में यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक ये क्वेश्चन था जिससे आपका बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप हो गया। सर लाइव सेशन में अब 2 आवर की क्लास अपलोड है, वो शायद ना कई बार टेक्निकल एरर रह जाता है, मैं यहाँ से एंड भी कर देता हूँ तो हो जाता है, उसके बाद का ब्लैंक दिख रहा होगा, आज उसे मैं कट करा के सही कर दूंगा। ठीक है, बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही था इसका, ये नेट लॉस इधर है, लॉस इधर आ गया, एक्यूमुलेटेड लॉस ही था हमारा टोटल। और मेरे से कोई डिसीजन मेकिंग पूछे ना तो मैं सिंपली बोलूंगा भाई इसका एक काम करते हैं, हम बी वाले स्टोर को ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बी वाले स्टोर से हमें ज्यादा नुकसान है, इसे बंद कर दो। अब कुछ भी हो सकता है, बी स्टोर इस सवाल में नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं वो नहीं पूछा जाएगा, आपको सिंपल एक सवाल देगा और जहां तक चांसेस ज्यादा मुझे लगता है बनता है ब्रांच और डिपार्टमेंटल में चॉइस आ जाए, लेकिन हम चॉइस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम सारे क्वेश्चंस करके जाएंगे। फर्स्ट टाइम आपका पेपर आएगा, कैसा पैटर्न आता है कुछ नहीं पता, हो सकता है कि सारा पेपर 30-40 नंबर का एमसीक्यू आ जाए आपका, ये भी पॉसिबल है, पहले बोल दूं। और उसके अंदर क्या होगा, एमसीक्यू केस स्टडी बेस, आजकल के जो सवाल बनते हैं पूरा सवाल दे दिया, पॉइंट नंबर 1 नेट प्रॉफिट बताइए, पॉइंट नंबर 2 ग्रॉस प्रॉफिट बताइए, पॉइंट नंबर 2 एक्सपेंस को किस रेशियो में बांटा, कितना कितना एक्सपेंस आएगा, पॉइंट नंबर 3 पूछ लेंगे बताइए रेंट को कैसे बांटा गया। तो इसी, जब तक आपको ये नहीं आएगा तो वो भी नहीं कर पाओगे, उसी पॉइंट्स के सारे पॉइंट्स पूछ लेंगे 10-12 पॉइंट बना के। तो क्योंकि ट्रेंडिंग में ये भी चल रहा है कि वो क्या करते हैं, एक पूरा सवाल दे देते हैं ये, और इसमें से पॉइंट दे देते हैं, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 पॉइंट दे देंगे आपको और पूछ लेंगे कि हर एक पॉइंट का आंसर दीजिए। और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट अगर उसने पूछ लिया बताइए कि नेट प्रॉफिट क्या है, तो ये 15 सवाल जो है उसके लिए आपको पूरा क्वेश्चंस करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। यानी अगर आपको पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है ना, तो एग्जामिनर एनीथिंग आस्क, कुछ भी पूछ ले, आपका एमसीक्यू पूछ ले, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप हर चीज का आंसर वहां पे दे सकते हो। लेकिन आप सिर्फ एमसीक्यू बेस पे चलते हो तो पूरा क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे उस सिचुएशन में। तो ये एक तरीके से आप सीख रहे हो, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप उसका आंसर कर दोगे, एमसीक्यू पूछता है वो दे दोगे, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले पूरा अकाउंट देके वो भी कर दोगे आप, तो सारी चीजें किया जा सकता है। सर इन्वेंटरी चैप्टर क्लास अपलोड, इन्वेंटरी चैप्टर कर दिया है, अभी करवाया है अपलोड, शायद उसमें कुछ मिसिंग रह गया था कि डिलीट हो गया था वहां से, तो मैंने अभी अपलोड करा दिया इन्वेंटरी चैप्टर पूरा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंडिंग करेंगे, अगली क्लास यानी 3 क्लास में इसके लिए लेके चलूंगा, 3 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी एक कल क्लास है और संडे वाले दिन ये चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे कुछ थ्योरी वाला पोर्शन और एक सिंगल एंट्री वाला जो चैप्टर है ना, जो बोल रहे हैं आएगा नहीं आएगा, होगा नहीं होगा, ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो मैं सिंगल एंट्री का भी कुछ एक पोर्शन करा दूंगा ताकि एग्जाम में आए तो उसे आप कर पाओ, सीधी सी बात है। क्योंकि आपका एग्जाम जो अकाउंट्स का जा रहा है वो मेरे ख्याल 3 मार्च को है, 31 मार्च, 3 मार्च को है ना, तो 3 मार्च के हिसाब से देखा जाए तो आपके बिटवीन द पेपर होते रहेंगे और छुट्टी भी है मेरे ख्याल 2 दिन की छुट्टी है, कितने उसमें 1 दिन की छुट्टी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली करते रहो इसको, बाकी मैं रिकॉर्डिंग करके भी डालता जाऊंगा, उसके हिसाब से आपका हो जाएगा ये। चलिए किसी का कोई डाउट इसमें? चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास यानी कल।